दिब्बेंदु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब फर्स्ट ऑफ मार्च सॉरी सेकेंड ऑफ मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। इसमें मैंने चार्ट का एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करूँगा, प्रोबेबिलिटी दिखाऊँगा और बहुत इसका बाय सेल लेवल दिखाऊंगा। तो ये आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। मैंने जो बाय सेल लेवल का स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है वो भी आप लोग को मिल जाएगा जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये जो बाय सेल लेवल का स्किनर बनाया उस ये भी आप लोग को ये तीनों सेट ऑफ बाय सेल लेवल है और बहुत सारा स्किनर है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही बहुत आसान कर देगा। बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है इसमें, 100 EMA स्ट्रैटेजी, GMA स्ट्रैटेजी, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, इनसाइड द बार, NR4, NR7 जो और उसके ऊपर बाय सेल लेवल है, तीनों सेट ऑफ बाय सेल लेवल है को भी यूज़ कर सकता है। इसमें आप लोग को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत ही आसान कर देगा। तो ये इसका ये कैसे इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसका स्ट्रेटजी क्या है, ये सब आप लोग वीडियो आप लोग अंत उधर मेरा यूट्यूब चैनल पे जो जाकर जरूर देख लीजिएगा तो ताकि आप लोग को इसमें समझ में आ जाएगा। इसका डाउनलोड सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा और इसका जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक भी आप लोग को उधर मिल जाएगा। तो आप लोग उधर से ज्वाइन हो सकता है और उधर से हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा चीज़ है वो भी आप लोग देख लीजिए। सो जी देख लीजिए, मैं इधर ये जो गिरा था उसके ऑलरेडी और भी गिर चुका है, मैंने थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लिया है। ये देखिए इधर 2019 का सितंबर महीना से जो जितना सा गिरा था उसका भी एटलीस्ट 61% का नीचे ऑलरेडी गिर चुका है और इसका जो इधर इसका हल्का सा सपोर्ट है 11,195 का सपोर्ट तो ऑलरेडी वैक्स है, इधर सपोर्ट है 11,100 पे इसका तगड़ा सपोर्ट है। वो ब्रेक होने के बाद ये आ जाएगा 11,950 तक, उसके बाद 10,950 तक, उसके बाद 10,900, इसके बाद 10,750 तक ये आ सकता है, 10,650 इधर तक ये इसका आने का प्रोबेबिलिटी है मार्च का सीरीज में। तो फिलहाल मैंने इसका इमीडिएट सपोर्ट जो है 11,100 का सपोर्ट हम लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 11,100 का सपोर्ट, वो देखने के लिए वो देखना है वो ब्रेक होता है कि नहीं होता है। और ऊपर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा 11,350-350 के आसपास, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेगा इधर रेजिस्टेंस लेगा 11,400 के आसपास, इसके बाद ये इसका रेजिस्टेंस मिलेगा 11,500 में, उसके बाद 11,571-11,605, उसके बाद 11,700, उसके बाद 11,800, इसके बाद 11,900 या 12,000 तक आ सकता है। लेकिन ऐसा जो कैंडल स्टिक बना है इधर अपर कोई कुछ अपर वीक नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा एक अपर वीक है, इधर नेग्लिजिबल है और नीचे थोड़ा सा वीक है। तो इसका जो कैंडल स्टिक का जो करेक्टर जो दिख रहा हूँ तो इसका देखिए अनसेप्ट मतलब सेप्ट कैंडल है, आप लोग इधर भी देख सकते हैं जो ऊपर कुछ वीक नहीं है, तो उसके बाद ये गिरना गिर चुका है। तो इधर अभी मतलब सप्लाई का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए लगता है कि ये नीचे जाने का प्रायोरिटी ज़्यादा दिख रहा है। और इधर RSI भी 24 आ चुका है, 30 का नीचे आ गया है, 24 आ चुका है, इसका मैंने थोड़ा सा बॉर्डर कर दूंगा तो टाइम फ्रेम में ले लूँगा तो इसका देखते हैं, इसका 21 कर देंगे तो इसका 30 को जस्ट टच कर रहा है। तो इसके बाद मैंने देखिए इधर सॉरी इसका फ्यूचर्स का देखता है, इसका फ्यूचर्स को देखते हैं तो इधर देख रहा हूँ कि इधर जो लास्ट सपोर्ट है इधर
11121 में इसका सपोर्ट है, 11110 110 में इसका सपोर्ट है, 110 111 उसके बाद ये इसका और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका लगता है 11100 में इसका सपोर्ट को हम लोग को अच्छी तरह से देख लेना है। तो उसको दैट इज़ द सपोर्ट लेवल वी हैव टू वॉच। उसके बाद और भी नीचे 300-600 पर नीचे आने का प्रॉबिलिटी है। तो इसके बाद देखते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का देखिए, इधर से मैंने जो लिया था उसका जो वही सितंबर 2019 से जो गिर चुका था उधर से जो उसके बाद इसका अप ट्रेंड चालू हुआ था। तो लेकिन उसका ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट ये जो वेब बनता है तो इधर तो मार्केट में थोड़ा सा वेब में चलता है तो प्राइस एक्शन में। तो इधर भी इसका जो कैंडलस्टिक बना है इधर अपर वीक कुछ नहीं है, इधर लोअर थोड़ा सा हल्का वीक है। तो जब बियरिश कैंडल जब बनता है और उसका जब लोअर वीक होता है कोई अपर वीक होता है वो नहीं होता है उसका, वो स्ट्रेंथ बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा अपर वीक है। तो इसका स्ट्रेंथ अच्छा बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इसका इसका मतलब इसका सप्लाई का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और इधर भी RSI थोड़ा सा मैंने इधर इसको 14 पीरियड में देखूंगा तो थोड़ा सा नीचे दिखेगा, लेकिन 30 का नीचे। उसके बाद ये 28 का जस्ट नीचे गया है, उसका और भी नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है। और इधर मैंने जो देखिए मैंने 50 100 और 200 का मूविंग एवरेज लगा है। तो इधर देखिए ये 200 का मूविंग एवरेज का नीचे आ चुका है, ये जो रेड वाला है ये 200 का मूविंग एवरेज है ये 200, लेकिन 50 और 200 का जो गोल्डन क्रॉस हम लोग बोलते हैं तो वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इसका 200 का बहुत ही नीचे अच्छा आ गया है। तो इधर देखता है ये भी थोड़ा सा मतलब जिस से इसका अप ट्रेंड चालू हुआ था उधर आके सपोर्ट ले सकता है, उसका सपोर्ट लेने का प्रोबेबिलिटी लगता है। और इधर फर्स्टली इसका ये तो 61.8% का नीचे अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये तो इधर सपोर्ट लेगा 28,900 के आसपास ये सपोर्ट लेगा। उसके बाद ये इसका आ सकता है 28,330, इसके बाद 28,900। और इधर रेजिस्टेंस है इसका 30,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, 29,500 के भी रेजिस्टेंस है, 30,500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। और इधर देखिए फर्स्ट ये 30,185 में रेजिस्टेंस लगा, इसका 30,998 में रेजिस्टेंस लगा, इसके बाद 31,294 में रेजिस्टेंस लगा। और इधर निफ्टी 50 में भी इसका मैंने जो देखिए इसका जो 200 वो भी 200 डे मूविंग एवरेज का बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं 200 का मूविंग एवरेज, ये 100 का मूविंग, ये 50 का मूविंग एवरेज, ये देखिए 11,687 या 690 के जाने के बाद ही थोड़ा सा कुछ आप ले सकता है। 11,970 के ऊपर इसका 100 डे मूविंग एवरेज है और 12,89 के आसपास इसका 50 का मूविंग एवरेज है। तो इधर मैंने ऑप्शन चेन को देखूंगा, इन द मिनट आप लोग को फिबोनाची का लेवल दिखा, सॉरी इसका जो ये आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, इसका पिवट पॉइंट और फिबोनाची का बाई लेवल और टारगेट्स और लेवल्स और सेल लेवल्स और बाय सेल का एंट्री लेवल और सेल लेवल का टारगेट, ये आप लोग अच्छी तरह से नोट कर सकता है। देखिए मार्केट जो जितना सारा प्राइस एक्शन होता है मार्केट में फिबोनाची प्राइस एक्शन जरूरी है, तो ये आप लोग नोट कर सकता है। अच्छा तो मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा तो देख रहा है PCR रेशियो 0.57 के आसपास आ गया है। और इधर 11,300 में इसका रेजिस्टेंस लिया है और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और 11,100 के आसपास, ये 11,100 में इसका सपोर्ट है। इधर पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, पुट साइड में जो IV है और कॉल साइड में जो IV है, पुट साइड में IV की बहुत ही ज़्यादा है। तो इधर जब गिरेगा तो ये बहुत ही फास्ट गिरेगा और जब ऊपर जाने का कोशिश करेगा इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसका इतना जल्दी से ये उधर से रेजिस्टेंस मिलेगा तो ज़्यादा जल्दी नहीं सकता, हो सकता है 11,300 के आसपास जा सके लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है। और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए, इधर जो इधर जितना